मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो काफी निकटता से जुड़े हुए, उस व्यक्ति का कारोबार, बेटे ने कारोबार शुरू किया, स्वयं वो नौकरी में थे और नौकरी के बाद बेटे ने कारोबार शुरू किया, अपना सारा पैसा बेटे को दे दिया। बेटे ने कारोबार शुरू किया लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिली। बेटा केवल यही सोचता था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने सॉफ्टवेयर की एक कंपनी खोल दी। सॉफ्टवेयर की कंपनी ये सोच करके खोल दी कि अगर हमारी कंपनी जम जाएगी तो हम तो करोड़ों में खेलेंगे। उसने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया, अपने पिता से कहा, काम किया, 30 लोगों का ऑफिस बना लिया उसने, ऑफिस का खर्चा। पिताजी ने भी सोचा, चलो बेटा है, हौसला इसके अंदर आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे तो कोई कंपनियां बनती नहीं और चलती नहीं, ये तो सब समर्थन लोगों का काम है। अपनी जमा पूंजी, सारी पूंजी उसमें उसने खपा दी। उम्मीद रहती थी कि अब हो जाएगा, हमारे लिए ऑर्डर आने मिल शुरू हो जाएंगे, हमारी कंपनी चल पड़ेगी, धीरे 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 हमारी स्थिति ठीक बन जाएगी। लेकिन दिनों दिन जमा पूंजी पूरी चौपट हो गई, जमा पूंजी पूरी चौपट हो गई, कुछ कर्ज भी चढ़ गया। लेकिन उसकी कंपनी नहीं चल पाई, करोड़ों का नुकसान हो गया। बेटे के मन में इस बात को लेकर घोर हताशा छा गई। उसे लगा कि मैंने अपने कारण अपने पिता के बुढ़ापे को भी खराब कर दिया। वो डिप्रेशन में आ गया और आत्महत्या करने का मन बना लिया। आजकल तो सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन लोगों को यही लगता है, कुछ हो तो आत्महत्या कर लो। आत्महत्या करने का मन बना लिया। पिता को मालूम पड़ा, पिता ने जो बेटे को संबोधा वो एक कोई संत का संबोधन बन गया। वो बेटे के पास गया, बोला, बेटा तो इतनी बात से हताश हो गया, कल अच्छा होगा इस आशा में तू आज तक जो बोलता गया वो मैं करता गया, अपनी जमा पूंजी लगाई और कुछ कर्जा भी चढ़ा लिया और तू जीवन से हार गया। अरे अभी तक ठीक नहीं, न सही, कल अच्छा हो सकता है, और मरने में कोई सॉल्यूशन थोड़ी, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। बेटा तू हताश मत हो और प्रयास कर, अभी मैं हूं, अभी हम पर थोड़ा कर्ज ही चढ़ा है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, हम पर थोड़ा कर्ज ही चढ़ा है, प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, तू चिंता मत कर, और मुझे किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं है, सब कुछ बिक भी जाए तो भी मुझे पेंशन मिलेगी, मेरी जिंदगी चल जाएगी, तू चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी हार मत, आगे बढ़। पिता ने बेटे को मोटिवेट किया, काम को आगे गति दी, अपनी एक प्रॉपर्टी भी बेच दी। इतने में भी अभी उसका काम नहीं चला, पिता ने कहा, इस मुकाम से अब मैं नहीं लौटूंगा, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसे भी बेच और काम में लग। उसने दूसरी प्रॉपर्टी को भी बेचा, काम में लगा, और उसके बाद जो उसका भाग्य खुला से एकदम चमक गया, आज वो एक अच्छी कंपनी का मालिक हो गया है और उसके कई अच्छे काम होते हैं, अमेरिका में ऑफिस बना रखा है। किसके बदौलत? आशा, उम्मीद। अगर उसके पिता ने धैर्य खो दिया होता,
उनकी आशा और उम्मीद नहीं होती और बच्चे को मोटिवेट नहीं किया होता तो धंधा तो गया सो गया, बेटा भी चला गया होता।